ये देखिए, बस ने अभी उतारा था हम लोगों को, वहाँ से ऑटो कर लिया था सीधे महाकाल के लिए, तो अब उसने वहाँ छोड़ा है, बैरिकेडिंग लगी थी तो उस तरफ उसने उतार दिया ऑटो ने। अब हम लोग जा रहे हैं रूम देखने, देखते हैं रूम कहाँ मिलता है, कैसा है। वैसे यही सामने रोड है और सामने ही महाकाल जी के दर्शन होते हैं, सामने मंदिर दिखाई पड़ता है, उसी के सामने मार्केट है ये बनी हुई है, इसी में सभी होटल और खाने पीने के रेस्टोरेंट सब यहीं पे लगते हैं। तो यहीं पे रूम सोच रहा हूँ ले लूँ, जिससे बाबा के दर्शन करने में इजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं रूम कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ये महाकालेश्वर के सामने से ही ऑटो वाले लगे रहते हैं आपको जो पास में घूमना है उसके लिए। तो मैंने अभी एक से बात करी तो उसने ये मुझे कार्ड दिया है, इसमें देखिए लिखा है शहर के अंदर महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश, हर सिद्धि मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर, राम घाट, श्री राम मंदिर। तो इसमें जो ये जो है ये शहर के अंदर है, यानी कि ये महाकालेश्वर जो मंदिर है ये देखिए, ये सामने महाकालेश्वर जी का मंदिर, इसी के सब पीछे हैं मंदिर, सब लगे हुए हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो इसको अभी मैं जा रहा हूँ, ये वॉक करके ही घूम सकते हैं आप। और जो ये लिखा है शहर के बाहर, संदीपनी आश्रम, MPCCI, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़ कालिका, भरतरी गुफा, ये ऑटो से आपको घुमा देगा, 2 से 2.5 घंटे लेते हैं और 400-500 रुपये बजाते हैं। थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो 150 रुपये कम भी कर देते हैं। तो मेरी बात हो गई है एक बंदे से, वो 10-11 बजे ऑटो यहाँ लगा देगा, यहीं सामने से मिलेगा आपको, यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसी के सामने से मिलेगा। तो चलिए ये घूमते हैं शहर के अंदर वाले मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, यहाँ पे दीपक जलते हैं, चलिए उनका नज़ारा देखते हैं, आइए चलते हैं। होटल है दाल डमरू वाला करके है, और ये सामने महाकाल जीश्वर मंदिर है, और ये हमारा होटल है घंटा वाले के बगल में। आज यहाँ रूम मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल में ये रूम मिला है। वैसे नॉर्मल डेज में दिक्कत नहीं होती है, आज ही है प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों भीड़ कुछ ज़्यादा हो गई है, रश बहुत है, इसलिए रूम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मिलने में। ये देखिए रेट लिस्ट भी लगी है, ऑटो किराया सूची, प्रीपेड, महाकाल यातायात पुलिस, सभी मंदिरों के दर्शन के लिए रेट लिस्ट लगी हुई है, तो इससे भी आप कंफर्म करके जा सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा गणेश मंदिर है एकदम पास में ही, साथ में चलो भाई इधर आओ। ये देखो पानी पीने की व्यवस्था, पानी बाद में, बाद में। ये देखिए अंदर का अद्भुत दृश्य, सब ज्योतिर्लिंग हैं। ये देखिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है यहाँ पे, लाइन से लगे। रामेश्वरम, चलो
जगह जगह LED लगी है, आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं बाबा जी, क्योंकि गर्म में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइमिंग है उसकी। शायद इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं होगा तो मैं इसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखिए दर्शन हो गए हैं बाबा के, बहुत बढ़िया दर्शन है। अब चलते हैं रूम पे, फिर आज आपको बताता हूँ कल की क्या तैयारी है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं रूम पे। अब दूध पीने की तैयारी हो रही, दूध देखिए कितना बढ़िया है, यही महाकाल के सामने लगाते हैं भैया, ये बढ़िया दूध है, ये टेस्ट करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, ये महाकालेश्वर जी के दर्शन थे रात के, जब मैं रात में पहुंचा था उसी दिन के, फिर मैंने दिन में भी दर्शन किए हैं, उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, और जो अदर प्लेसेस हैं उज्जैन के वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में कवर किए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा, क्योंकि इसमें अगर मैं उसको ऐड करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में कर दिया है। तो मिलते हैं।